कल मोदी के कार्यकाल को 7 साल पूरे हो गए हैं और इसको लेकर लोग सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस हालात में देश जूझ रहा है उसका जीता जागता सबूत गंगा किनारे देख सकते हैं। मसलन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे, यानी 26 मई 2014 को, राष्ट्रपति भवन का वो नज़ारा सच में अद्भुत था और राष्ट्रपति भवन का उस वक्त का गजब का माहौल था। लेकिन तब से लेकर अब तक क्या बदला, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी हुई, इससे आप सभी वाकिफ हैं। लेकिन आज बात मोदी के 7 साल के कार्यकाल पूरे होने पर लोग किस तरह से टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल पर ललन टॉप की एक रिपोर्ट बताती है, मोदी इस हालात पर चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे। देश के 130 करोड़ की आबादी वाले देश में 81% लोग यही बोल रहे हैं। लेकिन देश में इतने लोगों की मौत होती रही, सरकार चुनाव में व्यस्त रहे, जनता ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी, सरकार बंद कमरे में मजे लेते रहे, जब अस्पताल में लोगों को बेड नहीं मिल रहा था तब सरकार रैलियों में बिजी थे। लेकिन सोशल मीडिया पर मौजूदा सरकार की लोग जमकर खिल्ली उड़ा रहे हैं। वही एक यूजर है तरन्नुम खान, लिखती है कि 7 साल जनता बेहाल। लिहाजा मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो गए, अपनी वाहवाही लूटने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर चरमराती हुई स्वास्थ्य व्यवस्था कब ठीक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी।